रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दो बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत, दो युवक हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को भेजा गया इलाज के लिए अस्पताल। बस स्टैंड पर दो पक्षों के बीच चली गोली, मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस। भव्य दंगल का हुआ आयोजन, पहलवानों ने दिखाया कला का जौहर। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, हॉस्पिटल के अंदर भरा दिखा गंदा पानी, बीमारी को दावत दे रहा गंदा पानी। नियोजन से व्यावसायिक मार्गदर्शक मेला का आयोजन, मेले में 30 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां उपस्थित। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम चंपारण बेतिया के मुरेडा पंचायत में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि खेत से कुछ ही दूरी पर मसान नदी है, जिसकी वजह से उनके खेतों में बालू आती है, तो वहीं गांव के ही कुछ अराजक तत्व अवैध बालू सप्लाई करने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। धरना प्रदर्शन किए हैं कि जो भी लोग कहते हैं कि इधर उधर बालू नदी में से लोग खनन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से हम लोगों का खेत है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर मसान बहता है। यहाँ जो जमीन में जो भी बालू खनन होता है या मिट्टी खनन होता है, हम लोग का खतौनी अपना जमीन है। बाढ़ जब आता है तो मिट्टी या बालू भर देता है, जिसका सफाई उफाई करके हम लोग अपना खेती वाला अपना जमीन बनाते हैं, और योक्रेस फैलाया जाता है कि मसान में सारे लोग बालू लाते हैं, अवैध लोग व्यापार करते हैं। अब ये बताइए कि इस खेत का मुआवजा हम लोग सरकार को भी। कष्टकारी जमीन है, वहाँ लोग तैयार करता अपन खेत ऊख रोपे खातिर। नदी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बा, ठीक बा। वो दिन जिला खनन पदाधिकारी आए रहे, तो हम यह बात कह रहे कि सर यहाँ से नदी 3 किलोमीटर दूर है, इन लोगों का कष्टकारी जमीन है, सब लोग अपना ऊख रोपने के लिए तैयार कर रहा है, तोड़ रहा है उसको। स्थानीय अंचलाधिकारी आकर जांच कर ले, सब लोग स्थानीय अंचलाधिकारी सीओ साहब आके अपना जांच करें कि कष्टकारी जमीन है कि नदी है। जब भादो के महीना में जुलाई अगस्त में पानी आता है। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में लौरिया मुख मार्ग सिसवा पाल के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दो घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए, बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बेतिया नगर थाना स्थित बस स्टैंड से देर रात दो पक्षों के बीच गोली चल गई। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ भारी संख्या में पहुंची और घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और मामले की जांच में जुट गई। खबर बेतिया से है, जहां रामनगर नगर परिषद के कोऑपरेटिव में जदयू कार्यकर्ताओं ने बैठक की और बैठक के दौरान सभी जदयू के कार्यकर्ताओं ने सभी क्रियाशील सदस्यों के बीच पार्टी का एक गठन किया, जिसमें संजय मिश्रा को निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष रामनगर के सर्व समिति से चुना गया और इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा को फूलमाला पहनाकर धूमधाम से उनका स्वागत किया गया।
पश्चिम चंपारण के बेली बिलवा में भव दंगल का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मधुकर राय ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दंगल में गोरखपुर, नेपाल, प्रतापपुर समेत अन्य जिलों से आए पहलवानों ने कला प्रदर्शनी दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में विद्या यादव, महादेव पहलवान, रामा पहलवान और अन्य कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित थे। हमारी पुरानी परंपरा है और सदियों से ये हमारी सभ्यता के साथ साथ चलता रहा है। दंगल आम जनजीवन का सबसे लोकप्रिय खेल भी है और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। मैं समझता हूँ कि गांव के युवक अगर इसमें दिलचस्पी लेते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कुरीतियों से बचेंगे और राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करेंगे। पहले हम लोग समझते थे कि जो भी एक पहलवान होता था, जीत कराता था, उसके पूरे गांव में सब जगह सम्मान होता था। दंगल का आयोजन हुआ, इसके बारे में क्या कहना है आपको? यह एक ऐतिहासिक दंगल है और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ जिला कुश्ती वेस्ट चंपारण बिहार की तरफ से कि यहाँ एक ऐतिहासिक कुश्ती यहाँ के कुश्ती संघ के द्वारा कराया गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के एक से एक सुरमा पहलवान यहाँ उतरे। दिल्ली से लेकर गाजीपुर, बडरावना और तमाम पहलवानों का जमावड़ा हमारे यहाँ खटौरी बेलवा में जो हुआ है। यहाँ एक कुश्ती प्रेमी है, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? जी, गोरखपुर, कुशीनगर, पड़ावना, दिल्ली और खबर बेतिया से है, जहां शहर की हवा दूषित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि बीते कई दिनों से हवा की शुद्धता, गुणवत्ता का स्तर खराब स्तर को पार कर गया, जिसके बाद से यह दर रात और सुबह का एक्यूआई 438 से कम नहीं हो सका। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां हॉस्पिटल प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखी और विन बरसात जीएमसीएच कंट्रोल रूम और हॉस्पिटल में पानी भरा दिखाई दिया। बता दें, जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम और हॉस्पिटल थाना ऑफिस शौचालय का गंदा पानी भरा है, जिसके चलते लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और ये बीमारी को निमंत्रण दे रहा है। कैसे पानी मतलब आ गया इसमें? बाथरूम का पानी है, कैसे आ गया है, नलकी काम किया है, कैसे काम किया, कैसे ओवरफ्लो हुआ है, नहीं जानेगा। हम लोग काम करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, सवेर से बाहर बैठे हुए हैं। बहुत महक रहा है सर इसमें? हाँ, पानी बहुत महक रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद
बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां जिला में स्त्री नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन हुआ और इस नियोजन मेले में लगभग 30 प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न प्रकार के रोजगार के साथ उपस्थित रही। बता दें, इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा लगातार नियोजन मेले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा सके। नियोजन मेला लगा हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे लगभग 30 के लगभग कंपनीज यहाँ पे आई हुई है। ये लगातार राज्य सरकार के निर्देश में ये लगातार प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ्स हैं उनको रोजगार दिया जा सके। उसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे GMDIC उद्योग विभाग की तरफ से यहाँ पे लगा हुआ है, उसके साथ जीविका के अन्य भी यहाँ पे और DRCC इन सब के भी यहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं, ताकि जो लोग अपना उद्यम कुछ शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएँ बनाई गई। खबर बेतिया से है, जहां जिले के सरकारी गोदाम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते गोदाम खंडहर में बदल गया। बता दें, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। एक ही परिवार के तीनों व्यक्ति रामेश्वर उनको यहाँ पर आने के बाद मृत पाया गया है, मृत घोषित हो गया है। बाकी दो और उनके लड़के हैं संजीव राव और राजू राव, जो कि घायल हैं, उनको यहाँ उपचार के बाद बेतिया रेफर किया जाएगा बेहतर इलाज के लिए। इसी में संजीव राव को सीटी स्कैन की ज़रूरत है, राजू राव को भी सीटी स्कैन की ज़रूरत है, दोनों को एक्सरे की ज़रूरत है। बेतिया के केसरिया गांव में पति के मौत के बाद ससुराल वाले महिला के साथ मारपीट और घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने शिकारपुर थाने में ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष ने पीड़िता की तहरीर पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। घर में से निकाल तो झोंटा धोधा के मारता गंदा गंदा गोरिया होता भूसरी गंदगी भागो घर में। हमार गहना पान थान चोरा ले बड़ा आगे अब क्या करते नहीं तो वह तो आई बनी कह दरखास्त लिखवा के आई बनी देना हमारे पैसा कर 35,000 रुपया ले ले बड़ा फिर कहता था कि 10। खबर कैमूर से है, जहां जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रोहिया गांव के पास नहर में पेड़ से लटकता शव मिला, जिसे देख लोगों ने हत्या की आशंका जताई। कहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। क्या हुआ पाए हैं हम लोग, क्या नाम है इनका? रस्सी में बांध के लटका दिया। ये क्या नाम है इनका? दीपक जी। दीपक जी किस गांव के रहने वाले हैं? महरो के रहने वाले। किस थाना में पड़ता है? नुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह। आपके क्या लगेंगे ये? भगिना लगेंगे। आप लोगों को क्या लगता है ये अपने से किया है या और कुछ मामला है? अब हम लोग को तो सर यहाँ से दिल्ली से चला है तो ससुराल गया, ससुराल से सौ बरामद हम लोग पाए हैं। खबर नालंदा से है, जहां जिले में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराने को लेकर लगातार नालंदा जिले की पुलिस की टीम शराब माफियाओं पर नशेड़ियों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते MIOP सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब का जखीरा बरामद किया और पुलिस ने इस दौरान माफियाओं के पास से 3 लग्जरी कार भी जब्त किया। बता दें, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।
आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। जमालपुर पैसेंजर रामपुर हाट ट्रेन में 2 वर्षीय मासूम बच्चा लावारिस स्थिति में मिला। जीआरपी की टीम ने बच्चे को कब्जे में लेकर अभिभावकों की जांच पड़ताल कर रही है। मासूम बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कर प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है। खबर सहरसा से है, जहां जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वार्ड नंबर 9 में रहने वाले किशन पासवान ने, दिव्यांग बेटे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली, जिससे पूरे जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें, प्रताप कुमार पासवान त्रिकोणीय सीरीज बांग्लादेश के साथ खेलेंगे जो 18, 19 और 20 नवम्बर को आयोजित होगी। और प्रताप कुमार पासवान बांग्लादेश पहुंचकर अपने इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे। यहाँ तक चला गया है, बहुत कष्ट से मैं गुजर रहा हूँ सर, तब उस पर भी मैं ऐसा काम करवा रहा हूँ सर। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मिस्त्री का काम करते हैं सर। क्या करें, राज मिस्त्री का काम करते हैं। लकड़ी वगैरह नहीं सर, जुराई तुराई करते हैं। जुराई, घर का जुराई? जी सर। तो कैसे इनका, कैसे ये काम करते थे, कितना मेहनत इन्होंने किया है और आप लोगों का क्या कितना? मैं सर इसको बहुत फूल पेड़ी दिए हैं, जो करना है तुम करो। सबसे पहले तो प्रताप से ज़्यादा मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज ये इंडिया टीम के लिए खेलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस टीम में 2007 से खेल रहा था और मैं भी पाकिस्तान से खेल चुका हूँ। और ये दूसरा लड़का है बिहार से जो किसी टीम से खेलने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा, आप भी पाकिस्तान से खेल चुके हैं? जी जी, मैं भी खेल चुका हूँ। क्या कैसा रहा इनका संघर्ष, कैसा रहा? क्योंकि मुझे पता चला काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, तो सहरसा में ही ट्रायल रखा था जिसमें ये आया, तो इसका सिलेक्शन हुआ और 5-6 जगह खेलने के बाद काफ़ी सुंदर इसका प्रदर्शन रहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गौरव फील महसूस हो रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? हम लोग तो पहले ट्रायल देने सहरसा में आए, तो वहाँ हम लोग का सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग उससे पहले तब कलकत्ता गए खेलने के लिए, ही मैच सीरीज था बंगाल में, वहाँ खेलने में वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद हम लोग फिर मैच हुआ हम लोग का, ऐसे आगे होता रह गया, तो फिर कलकत्ता आए, तो उसके बाद वहाँ हम लोग मैच खेले, तो वहाँ हम लोग का सिलेक्शन हुआ मेरा, तो वहाँ अच्छा प्रदर्शन किए थे, सिलेक्शन हुआ मेरा। तो अभी आप किस चीज़ के लिए खेले, किसके लिए खेलेंगे? अभी हम इंडिया टीम के लिए खेलेंगे, बांग्लादेश का मैच है बांग्लादेश के साथ में। जी बिल्कुल, प्रताप एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये सहरसा जिला ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है, जो बिहार से पूरे बिहार में सिंगल लड़का का सिलेक्शन हुआ है। और वो हम लोग सहरसा वासी तो बहुत उत्साह में है, बहुत खुशी हो रही है, ये अपने मेहनत का फल, मेहनत करके ये आगे गए हैं और आगे भी सहरसा और बिहार का नाम रोशन करेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। खबर सहरसा से है, जहां शराब तस्कर शराब तस्करी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। बता दें, वातानुकूलित कोच में शराब की तस्करी की जा रही है, जिसमें कई रेल के कर्मी भी शामिल है। वहीं इसकी सूचना मिलने पर आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर ने टीम गठित कर बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस के एक एक यात्री की तलाशी ली, जिसके पास से अवैध शराब बरामद की गई।
सुपौल के चुन्नी पंचायत के मुखिया शंभू सिंह ने प्रेस वार्ता कर पंचायत में चल रही विकासशील परियोजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरिजन बस्ती में शौचालय निर्माण कार्य हुआ, साथ ही सड़क निर्माण ना होने पर बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग से टेंडर पास हो गया, जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। मेरा नाम शंभू कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत चुन्नी। आज जो ये बैठक आप लोग किए हैं, इसमें किसी का बैठक किया गया था? आज का जो बैठक है इसे जीपीडीपी का बैठक कहा जाता है। इसमें हम लोग जो 22 तेईस में काम करेंगे उसका इसमें कार्य योजना तैयार होगा और इसी कार्य योजना के आधार पर हम लोग एक साल तक अपने पंचायत के विकास के लिए जो भी काम करेंगे इसी कार्य योजना के तहत करेंगे। अभी तक आपके पंचायत में विकास योजना में किन किन योजनाओं में कार्य किया है सो बताइए। हमने अभी तक शिक्षा विभाग में काम किया है, रोड का काम किया है जहाँ छोटा छोटा रोड था। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर।